Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm here today at MI store. They recently opened in Emporium Mall, so I was invited on their launch, and today is the first day of the launch. As you can see, there is a huge crowd in MI store as they're offering 15% off on all their products, so people are getting crazy here. And let me show you the outlet of their new store in Emporium Mall. Here you go, this is the counter, and they have huge collection of the products, like all kind of phones, watches, bands, and their chargers, headphones. There's so many things that I even don't know. So as you can see, here you go. Collection of their watches and bands. This one's so nice. I really like this one. ओके जी, एम आई स्टोर का जो रेड कारपेट था वो एम्पोरियम के एंट्रेंस से लेके एम आई के स्टोर तक था, और वहाँ से इसकी क्यू स्टार्ट हो रही थी. और ये देखें, यहाँ पे इसकी रिबन कटिंग सेरेमनी हो रही है. और so they gave us this goodie bag, and it's include AirPods, wireless AirPods, and some electronic gadget. I don't know what is that. And then this voucher, Papa John's voucher. वीडियो अब स्टार्ट हुई है. हम लोग इतना लंबा कैप्शन बोल चुके हैं, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है. हमने इवेंट भी अटेंड कर लिया, कवरेज कर लिया, हमें भूख लग रही है, लेकिन हम फिर भी फन फैक्ट्री जा रहे हैं. बच्चा पार्टी मैं आपको ओके सो फाइनली हम बच्चा पार्टी पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे नायाब को ढूंढने आए हैं. और अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू बच्चा पार्टी, प्लीज हैंड सैनिटाइज शॉपिंग बैग कस्टमर सर्विस पे सबमिट करवा. ओके, इधर इधर इधर. ओके जी, हम बच्चा पार्टी मेंटर हो गए हैं, और यहाँ पे हम अपना बैग रखवा रहे हैं शफक, जैसे कि आप देख रहे हैं. और ये देखिए, हमारे साथ एक क्यूट सी बेबी गर्ल भी हैं. प्लीज से हाय. हाय. ओके सो ये नायाब हमें मिल गई फाइनली. बाल देखे जरा, बाल मैंने पहचाना ही नहीं नायाब को. ये कौन है? मैंने पहचान लिया, बड़ी मॉड लुक आ रही है. हाँ, हालांकि तुमने वो लगाया है. ओके गाइस, तो मेरा मास्क बार बार नीचे उतर रहा था, और मैं इसको बार बार फिक्स करने की कोशिश कर रही थी. ओके जी, एम आई स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था, तो हमें वहाँ से हटना पड़ा. हमने थोड़ी बहुत कवरेज कर ली थी, बट क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, और ड्यू टू कोरोना हम वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते थे, तो हम वहाँ से आ गए. हम अब जा रहे हैं फूड कोर्ट, और वहाँ जाके हम कुछ खाते पीते हैं. बात, अब उन्होंने फूड कोर्ट भी बंद कर दिया. हाय. तो फूड कोर्ट पे भी अब सीटिंग अवेलेबल नहीं है, तो बस लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनका फूड कोर्ट जा रहा है. लोग जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं. हाँ, कितना अजीब लगता है ना. पता नहीं कौन सी मजबूरी है यार, टेबल से रख दो यार. और टेबल्स नहीं, तो चेयर्स नहीं रखो, पिक करके घर चले जाएंगे. हाँ, पिक करके घर. लोगों की भी समझ नहीं आती. YouTube पे जाएगी. शर्म करो. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये 15 बंदों का PR एक बंदी कैसे लाएगी ऊपर? कोई नहीं ला सकती वो. ये सब तो पागल बना रहे हैं. पागल बना रहे हैं. पकड़ लिया.
गॉसिप गर्ल। हाय यार, ये यार मुझे फेमस नहीं, मैं तो वैसे भी फेमस कर इसको यही होता है गाइस, डू फॉलो नया ओके गाइस, तो ये रैंडम सा फन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो हम इसी तरह की बेवकूफियाँ करते हैं, तो मैंने आज आपको दिखा भी दिया। वेलकम एवरीवन। ओके सो डे टू, और डे टू में मेरा प्लान था कि हमने एक बर्थडे पे जाना है। सुहा की कज़न की बर्थडे थी और उसका केक भी मैंने बनाना था, एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, समहाउ केक नहीं बना वो। बट एक और सीन हुआ, वो ये कि मैंने एक ऑर्डर लिया हुआ था वेडिंग केक का, और वो मुझे डिलीवर करना था संडे को 12:00 डे टाइम में, और मुझे जाना पड़ गया आउट ऑफ सिटी सैटरडे को, और मैं अभी वापस आई हूँ रात के 12:00, और अब मुझे केक बनाना है और सुबह 12:00 मुझे वो डिलीवर करना है, बिकॉज ऑर्डर था और वो डिलीवर के। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे सारा कुछ अब भी करना है, और मुझे नींद भी आ रही है, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ, क्योंकि मैं 4 आवर की ड्राइविंग हम लोग करके गए हैं, और 4 आवर की ड्राइविंग हम करके आए हैं सेम डे, और अब कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही, बट केक भी बनाना है और साथ साथ उसके सारे काम भी करने हैं, और ये देखें जी कितना टाइम है मेरे पास और इसमें मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मेरे सामने मेस है। देखिए जी, ये मैंने कुछ करने की कोशिश की है और वो हो चुका हुआ तकरीबन, तो यस मेस 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 जी। यहाँ पे मेरे पास बटर क्रीम रेडी है, मेरे पास गनाश रेडी है, और अब ओके गाइस, तो सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने रात को ही अपना केक रेडी कर लिया था। ये देखें जी, केक मेरा रेडी है, और अब आप बताएं कि ये कैसा बना है। आपने कमेंट ज़रूर करना है और ज़रूर बताना कि आपको मेरा केक कैसा लगा।